सरदार पटेल की जन्म जयंती पर नर्मदा केवड़िया खाते स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड योजा थी जमा पीएम मोदी एकता परेड में शामिल थया था। आ साथ प्रथमवार केमल मार्च और हॉर्स मार्च बीएसएफ द्वारा करवामां आवी हती। आ उपरांत आईटीबीपी सीआरपीएफ बीएसएफ एनएसजी एनडीआरएफ की टीम द्वारा परेड योजवामां आवी हती। आ गुजरात पोलिस अने अन्य सुरक्षा दलों विविध जवानोनी परेड साथे तेमना कौशल्यना करतब पण जोवा मळ्या हता। आ वर्षे आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश आसाम छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गुजरात सहित सात राज्यों में पोलिस जवानों आ परेड में सामेल थया हता। आंध्र पुलिस के ये दस्ते नक्सलियों का जनहित जनसेवा के मंत्र से अपने कर्म नक्सलवाद पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हुए डीवाईएसपी अनूप कुमार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते एकता परेड में विविध पुलिस दल और सुरक्षा दलों की परेड साथ म्यूजिकल बैंड आकर्षण जगाव्यु हतु। म्यूजिकल बैंड की धमाकेदार और उत्साही प्रस्तुति दरमियान पीएम मोदीए ताड़ी वगाड़ी अभिवादन कर शाला विद्यार्थियों द्वारा करायेली म्यूजिकल बैंड की आ प्रस्तुतिओ त्या उपस्थित सौ कोई उत्साह वधार्यो हतो। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते आयोजित एकता परेड में समग्र देश ने सांस्कृतिक झांखी जोवा मळी हती। एकता परेड में भारत 70 राज्यों 250 थी वधु एनसीसी कैडर्स विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों रजू कर्या हता। आसाम थी आवेला आसामी बिहू लोकनृत्य प्रथम वक्त वडाप्रधान समक्ष तेमनुं लोकनृत्य रजू कर्युं हतुं। आ उपरांत गुजरात दिल्ली और पंजाब थी आवेला एनसीसी कैडर्से पोतानी प्रस्तुति करी लोकोना दिल जीत्या हता। एक तरफ राज्य में ज्ञान सहायक की भर्ती विरोध साथ शिक्षकों की कायमी भर्ती करने की मांग यथावत है। बीजी तरफ खाली जगह पर भरेला प्रवासी शिक्षकों की पगार फाफा है। प्रवासी शिक्षकों ने छेल्ला 8 महीना थी पगार न मळता कांग्रेसे सरकार पर प्रहारों कर्या हता। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीए कहूं कि सरकारे प्रवासी शिक्षकों कार्यकाळ तो लंबाव्यो परंतु 8 महीना थी पगार न मळता मुश्किली वधी छे। दोशीए कहूं छे कि दाहोद जिल्ला 270 प्रवासी शिक्षकों तो छेल्ला 11 महीना थी पगार ज नथी मळ्यो। તેમણે રાજ્યના 10,000 પ્રવાસી શિક્ષકોની દિવાળી ન બગડે તે માટે મુખ્યમંત્રી અને શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખીને તાત્કાલિક પ્રવાસી શિક્ષકોને નાણાં ચૂકવવા માંગણી કરી છે। ગુજરાતમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિકમાં લાંબા સમયથી શિક્ષકોની ભરતી ન કરીને ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાને ભારે નુકસાન સરકારે કર્યું છે। પણ સરકારે જે વચગાળાની વ્યવસ્થાના નામે લાંબા સમયથી પ્રવાસી શિક્ષકો શિક્ષણમાં પ્રવાસ હોઈ શકે પણ પ્રવાસી શિક્ષક નવી શોધ કરી અને એ શિક્ષકોને પણ 8-10 મહિના સુધી પગાર ન આપવામાં આવે એ નજીવું વેતન છે, પગાર તો છે જ ને, એ વેતન પણ ચૂકવવામાં ન આવે। મને એમ લાગે છે કે ભાજપ સરકારની આનાથી મોટી કોઈ અસંવેદનશીલતાનું